और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो है वो बहुत ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होना बाकी है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या रही है, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस होते रहे। रिक्टर स्केल पर 7.7 रही तीव्रता, ये हालांकि बहुत ज्यादा है, बहुत तेज भूकंप है ये। अगर 7.7 है तो ये बहुत तेज भूकंप है और बहुत देर तक धरती हिलती रही। और आप स्टूडियो में लगे कैमरे से जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई है, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। अजीत हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, क्या जानकारी, चूंकि 7.7 भूकंप के झटके के बारे में जानकारी मिल रही है, ये तो बहुत ज्यादा तीव्रता है। देखिए बिल्कुल कुंदन, जो तीव्रता है वो काफी तेज है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि नुकसान की अभी कहीं कोई खबर नहीं, लेकिन जो लोग बिल्डिंग में थे दिल्ली एनसीआर के आसपास, नोएडा गाजियाबाद के आसपास, वो लोग बाहर चले आए। लेकिन चूंकि इसका केंद्र बिंदु पाकिस्तान बताया जा रहा है, लिहाजा इसकी वजह से खतरा कम है, यहाँ पर खतरा थोड़ा कम होगा। अजीत बनी रही है। क्या नाम है आपका? नेहा है मेरा नाम। आपने क्या फील किया? मैं एक्चुअली सो रही थी, बस सडनली मेरे को ना वो कुछ पाइप हिलने की आवाज आई, मैंने ऊपर देखा तो फैन हिल रहा था, बस मैं बाहर ले अपने मदर को, मेरे डॉगी को, और मैं बाहर आ गई जस्ट। तो फिर पूरी कॉलोनी बाहर थी यहाँ पर, तो काफी देर तक मतलब झटके फील हुए रुक रुक के बीच बीच में, अप्रोक्सीमेटली हाँ 1 to 1.5 minutes फील हुआ। हाँ तो बस अभी तो न्यूज ही देख रहे हैं, तो अब शायद बंद हो गए आने, बस यही हो, तो कुछ नहीं खास। चले तो लोग डर करके घरों से बाहर निकल गए। स्टूडियो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैमरे में जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं जी मीडिया के स्टूडियो में, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अजीत इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, आप एपिसेंटर के बारे में जानकारी दे रहे थे। देखिए बिल्कुल जिस तरह से ये झटके आए, कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के इलाके में इसका जो मेन तीव्रता है वहां पर उसकी गहराई, लिहाजा यहाँ थोड़ा जो खतरा है वो कम था। लेकिन उत्तर भारत में कई जगह झटके आए, आप देखिए नोएडा से लेकर एनसीआर से लेकर लखनऊ में भी हल्का, कुछ लोग जान पाए कुछ लोग नहीं जान पाए। लेकिन ये भूकंप के झटके, देखिए लगातार भूकंप के झटके पिछले महीने भी देखे इसकी खबर आई थी, तो आज फिलहाल नोएडा के इलाके में उसका थोड़ा असर जरूर दिखा है, दिल्ली में दिखा है उसका, पंजाब के आसपास दिखा है, लेकिन अभी उससे कहीं कोई जनहानि की बात नहीं, कहीं पैनिक क्रिएट जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन लोग घरों से बाहर आ गए। ठीक है अजीत, अजीत जी बने रहे हमारे साथ। सृजन पाल सिंह जी हमारे साथ, भूगर्भ वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत पाल सिंह जी, सृजन पाल सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूँ एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए, एपिसेंटर के बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली एनसीआर और पूरे रीजन में हर एक छोटे से अंतराल के बाद भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, इसका ये क्या संकेत है सर? देखिए अभी भूकंप को आए महज कुछ ही मिनट हुए हैं, तो एग्जैक्टली एपिसेंटर कहाँ है इसके बारे में अभी अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो ये नॉर्दर्न पाकिस्तान का एरिया है वहीं पर कहीं पर ये एपिसेंटर हो सकता है, जहाँ कई बार अक्सर देखा गया। और भूकंप के झटके जैसा अक्सर कई बार होता है इसीलिए आते हैं क्योंकि जो धरती की जो धरती है वो परतों में ऑर्गेनाइज्ड होती है, और परतें कभी कभी एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस आती हैं और भूकंप आता है। ऐसा लग रहा है कि भूकंप ये मध्यम तीव्रता का तो कम से कम होगा ही, और न्यूज आई थिंक काफी डेवलप की इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में, और पता लगेगा कि हमें एपिसेंटर क्या है और एपिसेंटर क्या। सृजनपाल जी, अभी जो जानकारी मिल रही है कि 7.7 तीव्रता रही है, अगर पाकिस्तान में इसकी तीव्रता है तो भारत में इसकी तीव्रता क्या रही होगी, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो? देखिए भूकंप का 7.7 की अगर तीव्रता है, ये अर्थक्वेक एक काफी तेज अर्थक्वेक है, बिल्कुल यहाँ पर भी अर्थक्वेक हुआ होगा, वहां पर तो काफी नुकसान हो सकता है, बिल्कुल जो जहां पर भी हुआ होगा उस हिसाब से। अर्थक्वेक जहां से शुरू होता है उसके बाहर की जो परतें होती हैं, जैसे भारत में या दिल्ली के आसपास की जो परतें हैं वहां पे अर्थक्वेक कम हो जाता है, लेकिन 7.7 का अर्थक्वेक काफी ज्यादा लोगों को महसूस भी हुआ है, इसलिए आप देख रहे हैं कि पैनिक मची हुई है। मैं एनसीआर दिल्ली में ही हूँ और पैनिक मची हुई है, यहाँ लोग बिल्डिंगों के बाहर खड़े हो गए हैं क्योंकि अर्थक्वेक काफी महसूस किया गया है। शायद अर्थक्वेक जो दिल्ली में महसूस किया होगा करीब 5 या 5.5 के आसपास की तीव्रता के आसपास, दिल्ली के आसपास भी महसूस किया गया होगा। अब इसकी एग्जैक्ट विवेचना क्या है, क्या समाचार है, वो आपको डेवलप हो जाएगा एक दो मिनट में, लेकिन अगर 7.7 का अर्थक्वेक जैसा आप बता रहे हैं वैसा है, बिल्कुल जहां पर एपिसेंटर है वहां पर काफी तीव्र अर्थक्वेक आया होगा ये।
ठीक है सर, बने रहे हमारे साथ। फिलहाल जो जानकारी अपडेट है कि अफगानिस्तान में भूकंप का एपिसेंटर रहा है, भूकंप का केंद्र जो है अफगानिस्तान में बताया जा रहा है, इसलिए दिल्ली एनसीआर में और जैसे आप आगे बढ़ेंगे लखनऊ में तो लखनऊ में थोड़ा सा कम महसूस हुआ है, भूकंप के झटके कम महसूस हुए। सृजनपाल सिंह जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, ये बार बार जो भूकंप आ रहे हैं ये कोई संकेत है क्या, किसी बड़े खतरे का संकेत है क्या? देखिए भूकंप, ये जो उत्तर भारत का एरिया है अफगानिस्तान से लेकर के यानी कि हिमालय की जो बेल्ट है उससे लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश और यहाँ पे बिहार के तो कुछ क्षेत्र जो है, ये दक्कन के ऊपर का जो क्षेत्र है डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में, वो पूरा प्लेट थोड़ा डिस्टर्ब ही है और वो शुरू से ही भूकंप वहां आते रहते हैं। लेकिन हमें भूकंप का अध्ययन करते रहना होता है, बिकॉज कई बार होते हैं कि एक सीरीज ऑफ छोटे छोटे भूकंप आते हैं जो एक बड़े वाले भूकंप जो आने वाला होता है उसके पहले ऐसा होता है, ऐसा दुनिया में देखा गया है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, करीब 30-40% मामलों में भी ऐसा लेकिन होता है। इसलिए इनका ट्रैक रखना, इनका जो एपिसेंटर है वो कहाँ मूव कर रहा है उसका ट्रैक रखना ये बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ लोगों को भूकंप में, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि पैनिक की स्थिति में लोगों को रिस्पॉन्स नहीं पता होता कि एग्जैक्टली क्या करना है, कुछ महज सेकंडों में वो ट्रेनिंग बिल्डिंगों में देनी आवश्यक है। मैं नोएडा में देख रहा हूँ बिल्डिंगों में काफी लोग अनट्रेन तरीके से लोग। ठीक है सृजनपाल जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि हम भूकंप को नहीं रोक सकते लेकिन भूकंप के वक्त क्या करना चाहिए लोगों को जरूर बता सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। शुक्रिया जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तकरीबन कितना ड्यूरेशन क्या था उसका? भाई 2-3 सेकंड के लिए तो था। कितनी जोरदार, काफी जोरदार था, सबको महसूस हुआ। इससे पहले आपने कब ऐसा झटका देखा था? ये तो काफी दिन पहले कभी आया होगा। तो रामानुज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से जुड़ रहे हैं, रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, देहरादून में आप किस तरह का झटके महसूस किए गए, वहां पर क्या पैनिक के सिचुएशन रही क्या वहां पर? बिल्कुल, राजधानी देहरादून में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और जब अब भूकंप के झटके लगे तो लोग